यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2025 की परीक्षाएं इस बार देरी से हो सकती हैं। वजह है प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ का आयोजन। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से होगा। संगम तट पर 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर यह 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व तक चलेगा। इसलिए यूपी बोर्ड भीड़ के दबाव से बचने के लिए परीक्षाएँ 26 फरवरी के बाद कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च के पहले हफ्ते से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने की पूरी संभावना है। यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। परीक्षाओं को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं दिसंबर माह में शुरू हो सकती हैं। इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि यूपी बोर्ड का दावा है कि भले ही परीक्षा इस बार 10 दिन की देरी से होंगी, लेकिन कापियों का मूल्यांकन और रिजल्ट समय पर ही घोषित होगा। 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 54,38,597 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें से 27,40,151 छात्र हाई स्कूल के, तो वहीं इंटरमीडिएट में 26,98,446 छात्र भाग लेंगे। हालांकि इस बार की परीक्षाओं को लेकर यूपी बोर्ड का दावा है कि परीक्षा भले ही देरी से हो, लेकिन कापियों का मूल्यांकन और रिजल्ट तय समय पर ही घोषित होगा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2024 की बोर्ड परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हुई थीं और इन परीक्षाओं का आयोजन 12 दिनों में 9 मार्च तक किया गया था।